ये क्वेश्चन हमारा अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया में है, 2017 एमबीए में आया हुआ। ये सारे क्वेश्चन हम एमबीए के कर रहे हैं फिलहाल, एज बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब हमारे पास दिया हुआ है 5 ईयर एगो एज ऑफ सचिन वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ विनीत एंड आफ्टर 10 ईयर After 10 years, Sachin will be twice as old as old as Vineet. Find the present age of Sachin and Vineet. ये हमसे कह रहे आंसर आया किसी का? वो आपने वीडियो स्टॉप क्यों किया? हाँ सर, हमारे पास क्या है देखिए, कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, 5 ईयर एगो -5 की बात कर रहा है। सचिन वॉज, ऑप्शन नंबर ए होगा, सचिन वॉज 4 टाइम्स एज ऑफ विनीत, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स की बात कर रहा है, सचिन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज विनीत। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सचिन एंड विनीत। ये फर्स्ट, अब एक तो चीज ये होती है, कभी कभी आप लोग जो हैं बगैर सॉल्व करे भी चेक कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास एज सचिन की है, मैं लिख दे रहा हूं पहले, फिर आप इसको समझिएगा। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 35 एंड 12.5 ए ऑप्शन। आप खुद चेक करो, आज सचिन 35 है, विनीत 12.5 है, 5 साल पहले हमारे पास क्या था, ये था 30 और ये था 7.5, ठीक है सर, सॉरी 7.5 कह रहे हैं, 6.25। अब ये बताओ, 5 साल पहले जो हमारे पास था सचिन, क्या वो विनीत का 4 टाइम्स था? वो आप पहले कर रहे हैं, ये बात में कर लिया। सर 7.5 हाँ जी, 12.5 में से -5 करेंगे ना? हाँ सॉरी, 6.25 क्यों कर रहे हैं, इसका आधा कर दिया हमने। तो 5 साल करेंगे, पहले ही सही कर रहे थे। कितना करा भाई? 7.5। यस, देखो ये चार, ये 4 टाइम्स है या नहीं है? तो 4 टाइम आ रहा है। तो ये 4 टाइम आ रहा है जी सर, 4 टाइम है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं जब तक हम दूसरा ना करें। आपसे कह रहे हैं 10 साल बाद, 10 साल बाद जो करंट एज है उसकी बात करिए, तो 35 हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 22.5। क्या ये इसका डबल है? 22.5 का डबल 45 होता है या नहीं होता? ये हमारा आंसर। सर क्लियर है? तो कभी कभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमेशा आप लोग साथ साथ ये क्या कीजिए, जैसे हमने पिछली क्वेश्चन में किया था कि हम डायरेक्ट लिख रहे थे, मतलब
हमारे पास दो लोग हैं, हमारे पास जो है दो पर्सन, एक है सचिन और एक है विनीत। अगर 5 साल पहले की बात कर रहा है तो आप डायरेक्ट लिखो एस माइनस फाइव एंड वी माइनस फाइव, और आपसे कह रहा है कि ये 4 times है एस। तो एस माइनस फाइव इज इक्वल टू 4v-5, आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4v-20। फिर आपसे कह रहा है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कह रहा है तो आप करो सर जी एस प्लस 10, एस हमारा करंट एज है और वी को करो सर वी प्लस 10, लेकिन आपसे कह रहा है 10 साल बाद ये डबल हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2v+20। ये बस है। तो आपके पास पहली इक्वेशन जो है वो s माइनस फाइव इज इक्वल टू 4v-20 हो गई, और दूसरी इक्वेशन जो है वो आपके पास s प्लस 10 इज इक्वल टू 2v+20 हो गई। तो आप इसमें अगर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है तो आप इन